हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आई होप एवरीवन इज फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। इसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है बेटा कई बार। लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड ओनली। वो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव और ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। सो अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव की, तो उसमें था हमारे पास एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव। और अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की बेटा, देर आर थ्री बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड: लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ साउंड इज ऑल्सो नोन एज टिम्बर। तो हम आज की क्लास में वन बाय वन इनका डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। फर्स्ट वन इज लाउडनेस। लाउडनेस क्या होती है? इट इज द मेजर ऑफ साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकेंड। बेटा इट इज द मेजर ऑफ साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकेंड, मीन्स कि हम कितनी साउंड एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं एक सेकेंड, दैट इज कंसीडर्ड एज द लाउडनेस ऑफ द साउंड। इट इज मेजर द साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकेंड। या आप सिंपली ये भी बोल सकते हो इसके अंदर कि जो लाउडनेस है इसकी वजह से हमें पता चलता है कि कौन सा साउंड कितना लाउड है और कितना सॉफ्ट है। लाउड मतलब लाउडनेस वर्ड लाउड से बना, कितनी तेज साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, that is known as loudness। जितनी ज्यादा loudness होगी उतना दूर तक sound जाएगा। आपने देखा होगा हम एक word use करते हैं loud speaker। loud का मतलब बहुत तेज। क्यों use करते हैं loud speaker? ताकि आवाज दूर तक जा सके, इसीलिए तो हम loud speaker use करते हैं। simple अगर हमें कहीं भी song सुनना है तो हम simple speaker का use कर सकते हैं, but कोई function होता है बड़ा तो उसमें loud speaker लगाया जाता है ताकि sound ज्यादा से ज्यादा distance ज्यादा दूर तक cover कर सके। क्लियर हुआ? सो इट इज द मेजर ऑफ साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकेंड। इसकी जो यूनिट होती है लाउडनेस की बेटा वो होती है डेसिबल, denoted by dB, small d, capital B. It is the unit of loudness, and loudness of a sound is completely depends on the amplitude. कई बार हमसे फैक्टर पूछा जाता है कि किस फैक्टर के ऊपर लाउडनेस डिपेंड करती है, and the factor is amplitude on which loudness depend. क्या होता है amplitude? The maximum displacement of the sound wave from its mean position या undisturbed position is called amplitude. Loudness is directly proportional to square of amplitude. This is the most important point. कि जो loudness है वो square of amplitude की directly proportional होती है, means अगर हम एम्पलीट्यूड को डबल करेंगे, इफ वी डबल द एम्पलीट्यूड लाउडनेस विल बी फोर टाइम्स। कितने टाइम्स हो जाएगी जी लाउडनेस? फोर टाइम्स। अगर हम एम्पलीट्यूड को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। और अगर हम क्या करते हैं, इफ वी हाफ द एम्पलीट्यूड लाउडनेस विल बी वन फोर्थ, उसका वन फोर्थ। क्लियर? अब देखो जैसे अगर हम बात करें, एक तो हमारे पास आ रहा है सॉफ्ट साउंड और एक आ रहा है हमारे पास लाउड साउंड, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एम्पलीट्यूड का डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें सॉफ्ट साउंड की तो इसकी जो एम्पलीट्यूड होगी वो इस तरह की होगी, स्मॉल। इसको बोलते हैं बच्चे एम्पलीट्यूड। और अगर हम बात करें किसी भी लाउड साउंड की
तो जो उसकी एम्पलीट्यूड होगी वो बड़ी होगी, ये एम्पलीट्यूड होगी। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही दूर तक साउंड क्या करता है बेटा, ट्रेवल करता है, मतलब उसकी लाउडनेस उतनी ही ज्यादा होती है। एक तो आप इसको धीरे से स्ट्राइक कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड कम प्रोड्यूस हो रहा है ना, लाउडनेस बहुत कम है, और अगर हम इसको तेज प्रेस करते हैं तो साउंड क्या हो रहा है, ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। आप किसी कान में धीरे से बोलते हो तो आवाज दूर तक नहीं जाती ना उसमें, रीजन क्या है, क्योंकि आपने जो लाउडनेस प्रोड्यूस किया वो बहुत स्मॉल है। और दूसरा, अगर आप किसी के सामने चिल्ला के बोलते हो तो आवाज दूर तक जा रही है ना, हम कहते हैं कि धीरे बोलो कोई सुन लेगा, क्यों, क्योंकि साउंड उस टाइम कम प्रोड्यूस होगा, लाउडनेस कम है उसकी, समझ में आया। इसी वजह से बेटा कि जब कोई बड़े फंक्शन होते तो हम, आपने देखा होगा साउंड सिस्टम में एम्पलीफायर लगाते हैं, एम्पलीफायर का मेन पर्पस कि उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज करना, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो लाउडनेस अपना आप ही क्या हो जाएगी उसमें, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हुआ, लाउडनेस की जो यूनिट होती है वो होती है डेसिबल, किसी भी जगह पर जो शोर होता है, मतलब कि किसी जगह पर कितनी लाउडनेस प्रोड्यूस हो रही है उसको हम हमेशा डेसिबल के अंदर शो करते हैं बेटा। अब अगर हम बात करें 100 तक की जो लाउडनेस होती है वो लगभग थोड़ी नॉर्मल होती है, और अगर हम उससे ज्यादा लाउडनेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, सपोज करो अगर लाउडनेस जा रही है हमारी 140 180 तक, तो बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाती है। जैसे जो जेट एरोप्लेन होते हैं जब वो रॉकेट लॉन्च होते हैं ऊपर, तो उस कंडीशन में जो लाउडनेस प्रोड्यूस हो रही है वो बहुत लार्ज होती है। ट्रैफिक सिग्नल है जो उसके ऊपर आवाज प्रोड्यूस हो रही है बहुत ज्यादा, तो उस कंडीशन में जो लाउडनेस होती है बेटा लगभग 100 तक चली जाती है। क्लियर हुआ, सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच द लाउडनेस डिपेंड, एंड दिस इज द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ द लाउडनेस, कि लाउडनेस क्या होती है, कि कितनी साउंड एनर्जी को हम रिसीव कर रहे हैं पर सेकंड में, वो जितनी ज्यादा एनर्जी रिसीव होगी उतनी ज्यादा क्या होगी उसकी लाउडनेस होगी, किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड। अगर हम एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देंगे तो लाउडनेस इंक्रीज हो जाएगी, कितना, इफ वी डबल द एम्पलीट्यूड लाउडनेस बिकम्स 4 times, इफ वी हाफ द एम्पलीट्यूड लाउडनेस विल बी 1/4। क्लियर, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लाउडनेस। सेकेंड वन इज पिच, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज पिच। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की लाउडनेस, एंड सेकेंड वन विल बी पिच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिच, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, इट मे बी डिफाइंड एज द हाउ श्रिलनेस ऑफ अ साउंड, मीन्स श्रिलनेस ऑफ अ साउंड, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड which can distinguish between the two sound of same loudness। बेटा देखो, अगर हमारे पास दो साउंड है जिनकी लाउडनेस सेम है, जिनकी लाउडनेस सेम है, फिर भी हम उन दोनों के बीच में अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, दैट इज डन बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पिच, तो हम पिच के थ्रू उनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो इट विल बी डिफाइंड एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड which can distinguish between the two sound of same loudness, कि अगर हमारे पास दो साउंड है दोनों की लाउडनेस सेम है, भाई सपोज करो एक बार तो एक तरफ तो नेहा कक्कड़ गाना गा रही है, ठीक है जी, और एक तरफ गा रहा है कौन, अरिजीत सिंह, दोनों की लाउडनेस सेम है, जो दोनों की लाउडनेस है वो क्या है, सेम, बट फिर भी वी आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, हम दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते कि कौन सी आवाज नेहा कक्कड़ की है और कौन सी आवाज अरिजीत सिंह की है, दिस इज द करेक्टरिस्टिक्स, भाई दोनों की लाउडनेस सेम है, डिफरेंस किस चीज का, यहां पर डिफरेंस है उनकी पिच का, मींस एक की आवाज बहुत पतली है और एक की आवाज फेंट है, मतलब कि सॉफ्ट साउंड, जिसको हम मोटी आवाज बोल सकते, ग्रेव साउंड बोल सकते। क्लियर हुआ, तो दिस इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, कि जब दो साउंड जिनकी लाउडनेस हमें सेम दे रखी है और फिर भी हम उसके बीच में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स पिच, सो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन
between the two sound of same loudness. अब बात करते हैं इसके फैक्टर की जी, किस फैक्टर पे डिपेंड करती है. इट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी. पूछे जाता है कि लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है और पिच किस पे डिपेंड करती है. तो पिच ऑफ अ साउंड इज डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द साउंड. जितनी ज्यादा वाइब्रेशन होगी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा, पिच होगी. मीन्स पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं. पहले मैं आपको इसका ग्राफ बताऊंगा, फिर मैं आपसे इसका क्वेश्चन पूछूंगा. देखो जी, एक तो होता है श्रील साउंड. श्रील मतलब पैनी आवाज जिसको बोल सकते हैं, ठीक है. फेंट साउंड, मोटी आवाज. तो श्रील साउंड का मतलब क्या है, उसकी पिच ज्यादा है. ये अगर हमारे पास इसका डायग्राम बनाए हम, तो इस तरह से इसका डायग्राम बने, ठीक है जी. फेंट साउंड का डायग्राम बनाए अगर हम, मींस कि एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, मतलब लाउडनेस सेम है, बट डिफरेंस किस किस का है जी, फ्रीक्वेंसी का. इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा वेव प्रोड्यूस हो रही है. क्या होती है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साउंड वेव प्रोड्यूस इन वन सेकेंड. एक सेकेंड में कितनी ज्यादा साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. तो अगर हम इसकी बात करें, इसमें एक सेकेंड में ज्यादा से ज्यादा साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है और इसमें एक सेकेंड में इसके कंपेरिजन में कम साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम. फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच भी ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी, और इसकी पिच क्या होगी, कम. सो पिच ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. अब मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं. देखो बेटा, जितनी ज्यादा पिच होगी ना साउंड, उतना ज्यादा श्रील होगा, पतला साउंड होगा वो. चलो आपने देखा हो जैसे जो चिल्ड्रन होते, बच्चे होते छोटे, और वुमेन, गर्ल वुमेन, इनकी आवाज बहुत पतली होती है एज कंपेयर टू द बॉय और मैन. क्यों होती है जी, क्योंकि फीमेल में और चिल्ड्रन में जो वोकल कोड होता है बेटा, वो बहुत छोटा होता है. अब वोकल कोड छोटा होने की वजह से जो फ्रीक्वेंसी है उसकी बहुत ज्यादा होती है, वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होती है. जितनी ज्यादा वाइब्रेशंस होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा जी, पिच होगा. तो इसलिए उनकी आवाज बहुत पतली होती है. और अगर हम बात करें किसी मैन की या बॉय में, तो उसमें क्या होता है, वोकल कोड का साइज बड़ा होता है. अब साइज बड़ा होने से क्या होगा जी, वाइब्रेशंस कम होगी, फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, जिसके साथ जो उसकी पिच है वो क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी. देखो एक हमारे पास अगर हम एग्जांपल है, बी, हनी बी है या मॉस्किटो है, छोटे छोटे मच्छर होते हैं, है ना, मक्खियां होती है, तो कान के पास आते हैं, वाइब्रेशन से निकलते एकदम से, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बजिंग साउंड जिसको बोलते हैं, क्योंकि उनके विंग्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, पंख जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से उनमें वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होती है, मींस फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है. अब जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी पिच भी क्या होगी, ज्यादा होगी, श्रिल साउंड होता है. ऐसे ही अगर हम किसी भी बड़े पक्षी की बात करें तो उनके विंग्स बड़े होते हैं, तो वाइब्रेशंस क्या होती है, उनकी कम होती है. वाइब्रेशन कम होगी तो फिर पिच भी क्या होगी बेटा, कम होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो पिच कम हो जाएगी. क्लियर वन. एक हमारे पास स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है बोल, ठीक है जी, आप उसके ऊपर स्ट्रक कर रहे हो तो बहुत तीखी आवाज निकल रही है. या अगर सिंपल सा एग्जांपल हो, गिटार है, गिटार की जो वायर होती है, स्ट्रिंग होती है, वो बिल्कुल स्ट्रेच है, उसमें जब हम साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें बिल्कुल श्रिल साउंड होता है. क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो पिच भी ज्यादा है, और वहीं पर अगर कोई लूज स्ट्रिंग है उसके ऊपर दबा रहे तो आप एक फेंट साउंड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वाइब्रेशन क्या होगी उसके अंदर, कम होगी. आपने देखा हो ना, जो गिटार होता है उसमें किसी जगह तो बहुत शार्प साउंड होता है और किसी जगह बहुत मोटा साउंड होता है. रीजन सिर्फ फ्रीक्वेंसी का है, डिफरेंस. एक जगह जहां ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वहां पर क्या है जी, वहां पर पिच भी ज्यादा है, और जहां फ्रीक्वेंसी कम है वहां पिच भी कम है. क्लियर हुआ. तो पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू साउंड ऑफ सेम लाउडनेस, जिसके थ्रू हम दो साउंड जिनकी लाउडनेस सेम है उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं.
कि कौन सी मेल की आवाज है कौन सी फीमेल की आवाज है. इट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द पिच. अब मैं आपको अगर एक और एग्जांपल बताऊं, आप सपोज करो साइकिल को स्टैंड पे लगा रखा है आपने, ठीक है, प्रैक्टिकली आप इसको घर पे भी ट्राई कर सकते हैं. साइकिल को हमने स्टैंड पे लगा रखा है और हम हाथ से उसके पेडलिंग कर रहे हैं और हमने क्या करा, पीछे जो रिम होता है टायर पे हमने उसके आप एक कार्डबोर्ड गत्ता लगा दिया वहां पर और हम धीरे धीरे पेडलिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा, साउंड तो प्रोड्यूस होगा भाई, ऑब्वियसली बात है. उसकी तालियों के अंदर नहीं अटकाना हमारे को, हमें सिर्फ रिम के ऊपर टच करना है गत्ते को. हम धीरे धीरे पेडलिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे पेडलिंग करने से क्या हो रहा है, साउंड तो प्रोड्यूस हो रहा है बट वो एक फेंट साउंड है. अब आप अगर पेडलिंग की स्पीड तेज करते चले जाओगे तो जो पीछे टायर रिवॉल्व कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, होगी ना, उससे क्या होगा, जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा था उसकी आवाज चेंज होती चली जाएगी. मतलब जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा चेंज होगी तो उसकी जो पिच है वो भी चेंज होगी. अब जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसकी श्रिलनेस ज्यादा होती चली जाएगी. आप इसको ट्राई कर सकते हो. क्यों? क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया. फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया तो पिच क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी. क्लियर हुआ? तो पिच कंप्लीटली डिपेंड किस पे करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर. अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम होती चली जाएगी. क्लियर? वेरी गुड. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो आती है इसमें वो है जी क्वालिटी ऑफ साउंड. थर्ड वन इज क्वालिटी ऑफ साउंड. इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू साउंड ऑफ सेम लाउडनेस एंड सेम पिच. कि हमारे पास अगर दो साउंड है बच्चे जिनकी लाउडनेस भी क्या है जी, सेम, सेम लाउडनेस और सेम ही क्या है पिच, फिर भी हम दोनों में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. किसकी वजह से कर रहे हैं जी, क्वालिटी ऑफ साउंड की वजह से. आपके सामने एक तो ढोलक बज रही है, एक गिटार बज रहा है, ठीक है, देख के तो आप बता सकते हो इजीली भाई ढोलक की आवाज है गिटार की आवाज है. और अगर आप सामने नहीं है या आप कहीं म्यूजिक में सुन रहे हैं कि ढोलक बज रही है कहीं पर गिटार बज रहा है कहीं पर हारमोनियम बज रहा है, तो भी तो हम बता सकते हैं कि हाँ भाई ये ढोलक की आवाज है, गिटार की आवाज है और ये हारमोनियम की आवाज. क्यों? दिस इज द करेक्टरिस्टिक. ये उन तीनों की करेक्टरिस्टिक्स है जो तीनों के साउंड को क्या कर रही है, अलग अलग कर रही है. इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की शेप क्या है, कैसी फ्रीक्वेंसी स्प्रेड, क्योंकि इसमें मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है बेटा अलग अलग तरह, और जब मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी बनती तो हार्मोनिक वेव्स बनाती है जिसको म्यूजिकल साउंड बोल देते हैं. काफी सारी फ्रीक्वेंसी जब आपस में मिक्स होती है दे प्रोड्यूस द हार्मोनिक साउंड. और अगर एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है सिर्फ सिंगल फ्रीक्वेंसी का उसको बोलते हैं बेटा टोन. साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज टोन. तो क्वालिटी कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द मिक्सर ऑफ फ्रीक्वेंसी और शेप ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. हर किसी की शेप के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि शेप से ही साउंड डिपेंड है. शेप अलग होगी तो साउंड भी अलग होगा. भाई हम पता लगा रहे हैं ना, एक तो हम बांसुरी बजा रहे हैं, एक हम वही आवाज किस पे निकाल रहे हैं, पियानो पे निकाल रहे हैं. दोनों में डिफरेंस तो है. क्यों? क्योंकि दोनों की शेप अलग अलग है, दोनों की जो क्वालिटी है साउंड की वो डिफरेंट है. और वही हमें बता रही है कि कौन सा साउंड फ्लूट से प्रोड्यूस हो रहा है, कौन सा साउंड पियानो से प्रोड्यूस हो रहा है. सो क्वालिटी ऑफ साउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू साउंड ऑफ सेम लाउडनेस एंड सेम पिच. दिस कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और मिक्सर ऑफ फ्रीक्वेंसी. क्लियर हुआ? आई होप कि जो मैंने आपको आज ये टॉपिक पढ़ाया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड ये आपको अच्छे से समझ में आया हो. तो बेटा इसकी अच्छे से रिवाइज करनी है आपको, घर पर प्रैक्टिस करनी है. क्लियर? सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम स्टे सेफ.